सवाल है कि नमाज के मुकम्मल होने के बाद क्या करना चाहिए, जिक्र, दुआ, आयात की तिलावत वगैरह क्या करना चाहिए। नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से तकबीर साबित है, अल्लाहु अकबर। इब्न अब्बास की रिवायत बुखारी वगैरह में है, तकबीर कहते थे सहाबा, नमाज का ख़त्म होना तकबीर से मालूम होता था। बाज़ उलमा ने इसको मुजर्रद जिक्र पर महमूल किया है तकबीर के ख़ास की बजाय, लेकिन तकबीर वाज़े अल्फाज हैं इसके। और इसके बाद जैसे अस्तग़फिरुल्लाह 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 सहाबा करते थे, और उसके बाद मुख्तलिफ़ दुआएँ, तो वो दुआएँ आदमी को पढ़नी चाहिए। तो ये नमाज के बाद के अज़कार हमको सुन्नत से साबित मिलते हैं, उसकी तफसील आप सुन्नत मुस्लिम वगैरह में देख सकते हैं। बहुत सारी दुआएं कुरान की किरत में, जैसे कि आपने दर्स में पढ़ा था इससे पहले भी, मुआविज़ात की तिलावत है, आयतुल कुर्सी है, या इसी तरह से और भी अज़कार हैं, अल्लाहुम्मा अंता सलाम इनका सलाम तबारक तआला जलाल व इकराम, और उसके अलावा भी और बहुत सारे दुआएँ हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुतिअ लिमा मनअत वला यनफ़ऊ ज़ल जद्द मिनकल जद्द वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे अज़कार हैं। तो आदमी वो सीखे और उसको मालूम करें। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो लोग दुआ करते हैं नमाज के बाद, इसकी कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे नबवी दौर में कभी भी फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबको मिला के जमा करके इज्तिमाई दुआ नहीं की थी, कोई दलील इसकी नहीं है। लोग बोलते हैं बुरा क्या है, और बुरा क्या है, बुरा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अच्छा नहीं समझा। अच्छा होता तो आप करते, और अगर कोई बोले नहीं अच्छा ही अमल है इज्तिमाई तौर पर, हम कहें ठीक है एक काम करो, अजान देने के बाद भी क्या करेंगे आप, अजान से फारिग होते ही सब क्या करेंगे, दुआ कबूल होती है अजान के बाद, तो अजान के बाद भी सब इज्तिमाई दुआ करेंगे, बुरा क्या है इसके अंदर। और सुन्नत नमाज़ें पढ़ने के बाद भी फिर से जमा हो जाएंगे और फिर एक बार दुआ करेंगे, तो इस तरह से चलेगा नहीं। तरावी की नमाज़ में हर चार रकत के बाद भी इज्तिमाई दुआ करेंगे, चलेगा? वो बहुत देर हो जाएगी भाई, पहले इतना 20 लेट हो जाता और देर हो जाएगी। तो इज्तिमाई दुआ कहाँ की जाए, जहाँ साबित है वहाँ की जाए, जहाँ नहीं हुआ नहीं की जाए। तो इस तरह से अपने दिल से हम इज्तिमाई दुआ करने लगें, ये बिदात हो जाएगी, ये बिदात है इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना। इनफरादी तौर पर कोई करना चाहे, कोई मसला उसमें नहीं है।